एक एलियन स्पाइडर जो पृथ्वी पर आता है और लोगों को मारना शुरू कर देता है। स्टिंग, ये 2024 की हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हमें रेडियो पर एस्ट्रॉइड के बारे में एक न्यूज सुनाई देती है। हमें एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जिसके घर में कुछ अजीब सी आवाजें आ रही है। यह औरत एनिमल कंट्रोल को कॉल करती है, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, यानी कि यह औरत सब कुछ भूल जाती है, इसलिए इसने अपना घर का पता भी दीवारों पर लगाया है। तुरंत ही एनिमल कंट्रोल वाला वहाँ पर आता है जिसे दीवार पर अजीब चिपचिपी हुई चीज़ दिखती है। जब वो उस औरत का दरवाज़ा खटखटाता है तब तक वो औरत इस सब के बारे में भूल चुकी होती है। उल्टा वो औरत ही उससे पूछती है कि वो कौन है और वहाँ पर क्यों आया है। वो कहता है कि आपने ही मुझे कॉल किया था क्योंकि आपकी दीवारों से कुछ आवाज़ें आ रही थी। बुढ़िया को कुछ याद नहीं आता, लेकिन तुरंत ही वहाँ पर दीवारों से वैसी ही आवाज़ें आने लगती है। यह आदमी चेक करने के लिए जाता है और उसे वहाँ पर खून दिखता है। वो देखता है कि यह खून कहाँ तक जा रहा है, तभी उसे एक आदमी दिखता है जो खून से लथपथ है। यह आदमी भी कीड़े मारने वाली कंपनी से है जो मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। तभी यह आदमी देखने की कोशिश करता है कि यह सब कुछ किसने किया होगा और उस पर भी हमला हो जाता है। अब यह आदमी भी मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कोई चीज़ उसे खींचकर पीछे ले जाती है। बूढ़ी औरत यह सब कुछ सुन रही थी, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान टीवी पर जाता है वो सब कुछ भूल जाती है। इसके बाद फिर से बुढ़िया को आवाज़ आती है और वो फिर से फ़ोन करने की कोशिश करती है। इस औरत को भूलने की बीमारी है और अब यह तीसरी बार किसी को मदद के लिए बुलाने वाली है। इस सब के बाद हमें 4 दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर एक एस्ट्रॉयड पृथ्वी की तरफ आ रहा है। विंटर का माहौल है और चारों तरफ बर्फ गिर रही है। ये छोटा सा एस्ट्रॉयड खिड़की के अंदर गिरता है। जिस कमरे में वो गिरता है वहाँ पर एक खिलौने जैसी छोटी सी बिल्डिंग है, तो इस छोटे से बिल्डिंग के छोटे से रूम में वो एस्ट्रॉयड गिरता है जहाँ से एक छोटी सी मकड़ी बाहर आती है। अपार्टमेंट में जो छोटे टनल्स होते हैं वहाँ से शार्लेट नाम की लड़की इस कमरे में आती है। यहाँ पर उसे वो स्पाइडर मिलता है जिसे वो माचिस के डिब्बे में रख लेती है। घर की मालकिन उस कमरे में आने वाली है, ये सुनकर वो वापस उस टनल में चली जाती है। तो शार्लेट पूरे अपार्टमेंट में टनल्स में घूमती रहती है और किसी के भी कमरे में जाती रहती है। शार्लेट काफ़ी शैतान है, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट भी है। उसके सौतेले पिता कॉमिक बुक डिज़ाइन करते हैं और अपार्टमेंट के छोटे छोटे काम भी करते रहते हैं। शार्लेट अपने कमरे में आती है और उस स्पाइडर को ग्लास के डिब्बे में रखती है। इंटरनेट पर काफ़ी सर्च करने के बाद वो उस स्पाइडर का नाम स्टिंग रखती है। इस अपार्टमेंट में एक पूरी फैमिली रहती है, शार्लेट, उसके मॉम डैड और उसका छोटा भाई। इसी के साथ साथ एक घर में शार्लेट की ग्रैंड मदर और उसकी आंटी भी रहती है। कुछ लोग वहाँ पर रेंट से भी रहते हैं, एक औरत जिसके पास कुत्ता है और उसकी फैमिली मर चुकी है, और एक ऐसा आदमी जो मछलियों और कीड़े मकोड़ों के बारे में रिसर्च कर रहा है। शार्लेट की आंटी उसके पिता को घर की खिड़की ठीक करने के लिए बोलती है क्योंकि उसे ये लगता है कि यह सब कुछ शार्लेट ने किया है। उसके पिता उससे इसके बारे में पूछते हैं तब वो मना करती है। शार्लेट स्पाइडर के साथ बात करने की कोशिश करती है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि यह स्पाइडर भी आवाज़ें निकाल रहा है। शार्लेट जिस तरह से सीटी बजाती है ये स्पाइडर भी वैसे ही आवाज़ निकालने की कोशिश करता है क्योंकि ये एक एलियन स्पाइडर है। शार्लेट को एक कॉकरोच मिलता है जिसे वो स्पाइडर वाले डिब्बे में डाल देती है। किसी वजह से उसका ध्यान दूसरी तरफ जाता है, उतने ही समय में कॉकरोच गायब हो जाता है। शार्लेट के पिता इस औरत के घर में नल को ठीक कर रहे हैं। काम होने के बाद वो औरत उससे बोलती है कि वो बहुत लकी है क्योंकि उसके पास फैमिली है। ये शार्लेट के सौतेले पिता है जो उसके साथ अपना रिलेशन अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। शार्लेट जब अपने रूम में जाती है तब डिब्बे में और एक कॉकरोच डालती है। वो स्पाइडर इस कॉकरोच को बहुत ही तेज़ी से खींचता है जिससे शार्लेट इम्प्रेस हो जाती है। रात को जब सब सो रहे हैं तब ये स्पाइडर अपने आप ही डिब्बे के ढक्कन को खोल लेता है। वेंटिलेटर वाले टनल से वो दूसरे घर में जाता है और एक तोते को मार देता है। दूसरे दिन शार्लेट की आंटी जब तोते को देखती है तब वो बहुत ही डर जाती है। इसकी वजह से सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं और हमें देखने को मिलता है कि ये तोता बुरी तरह से जल गया है। यहाँ पर वो एनिमल कंट्रोल वाले को बुलाते हैं। ये वही आदमी है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। बाकी सबको लगता है कि यह सब कुछ चूहों ने किया होगा, लेकिन एनिमल कंट्रोल वाला उन्हें बोलता है कि चूहे अपने शिकार को जलाते नहीं हैं। वो उन्हें यह भी कहता है कि जिसने भी ये किया है वो चीज़ छोटी है। वो सब जगह पर चेक करने लगता है और वेंटिलेटर वाले टनल्स में गैस भी छोड़ने लगता है। जब वो शार्लेट के रूम में चेक करने के लिए आता है तब शार्लेट उसे बोलती है कि यहाँ पर कुछ मत करना। यहाँ पर वो उसे स्टिंग के बारे में बताती है। उसे लगता है कि स्टिंग उसके कुत्ते का नाम है। वो बोलती है कि स्टिंग एक स्पाइडर है। जब वो स्पाइडर को देखता है तो वो काफ़ी डर जाता है। हमें यह भी देखने को मिलता है कि अब तक इस स्पाइडर ने बहुत सारे कॉकरोचेस खाए हैं। तोते को मारने के बाद यह स्पाइडर खुद से ही डिब्बे में वापस आ गया था।
ये एक एलियन स्पाइडर है जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, इसकी वजह से वो ये सब कुछ कर पा रहा है। शार्लेट नोटिस करती है कि ये स्पाइडर एक दिन में ही बहुत बड़ा हो गया है और काफ़ी फास्ट भी। शार्लेट के पास एक मौत बॉल है जिससे ये स्पाइडर डर रहा है। मौत बॉल के कॉन्टैक्ट में आते ही स्पाइडर का जाल नष्ट हो जाता है, लेकिन इसके बारे में हमें मूवी के एंडिंग में पता चलेगा। हमें यह भी पता चलता है कि शार्लेट और उसके सौतेले बाप के बीच में जो रिलेशन है वो अभी तक उतना अच्छा नहीं हुआ है। रात को स्पाइडर फिर से डिब्बे से बाहर निकलता है और उस औरत के घर में जाता है जिसके पास कुत्ता है। यह औरत अपनी दवाई लेने के लिए जाती है, लेकिन उसे नहीं पता कि यह स्पाइडर वहीं पर छिपा है। अचानक हमें पता चलता है कि यह स्पाइडर औरत के शरीर पर आ गया है। जब वो इमोशनली अपने फैमिली की फ़ोटो देख रही है, यह स्पाइडर उसी के पीछे होता है। अचानक से स्पाइडर उसके सामने आता है और उस पर हमला कर देता है। स्पाइडर उसके चेहरे पर काट लेता है, जिसकी वजह से वो सुन्न पड़ने लगती है। जब वो आईने में देखती है तब अनकॉन्शियस हो जाती है और नीचे गिर जाती है। सिर में उसे बहुत ही ज़ोर से चोट लगती है। उसकी सिचुएशन अब ऐसी हो चुकी है कि वो अब हिल भी नहीं सकती। ये स्पाइडर उसके मुंह के अंदर घुस जाता है और अंदर से ही उसे फाड़ने की कोशिश करता है। अंदर से जिस तरह से वो उसे फाड़ता है, तब हमें पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल स्पाइडर तो बिल्कुल भी नहीं है। अगले दिन शार्लेट स्पाइडर को उस आदमी के पास लेकर जाती है जो मछलियों पर रिसर्च कर रहा है। शार्लेट उस आदमी से फिश टैंक जैसा टैंक मांगती है ताकि वो बड़ी जगह पर रह सके। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह स्पाइडर और भी बड़ा हो गया है और ये आदमी भी उसे डर जाता है। यह आदमी शार्लेट से बोलता है कि ये स्पाइडर खतरनाक और जहरीला भी हो सकता है। वो आदमी शार्लेट से बोलता है कि वो उसे बड़ा टैंक ज़रूर देगा, लेकिन वो खुद ही उसे टैंक में डालेगा। उसका कहना है कि सेफ्टी के लिए उसे यह करना ज़रूरी है, तो वो शार्लेट को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। वो आदमी उससे कहता है कि वो खुद ही स्पाइडर को टैंक में डालकर उसे देने के लिए आएगा। इसके बाद शार्लेट वहाँ से चली जाती है। तभी शार्लेट के डैड को वेंटिलेटर में एक कुत्ता मिलता है। उन्हें पता है कि यह उस औरत का कुत्ता है, जिसकी वजह से वो उसे वापस करने के लिए जाते हैं। शार्लेट के पिता बिल्डिंग के रखवाले हैं, जिसकी वजह से उनके पास स्केलेटन की है। जब वो कुत्ते को वापस करने के लिए आते हैं तब वो औरत दरवाज़ा नहीं खोलती, जिसकी वजह से उन्हें खुद ही दरवाज़ा खोलना पड़ता है। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वो औरत मर चुकी है, जिसकी वजह से वो पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस से बात करते हुए उन्हें उसी आदमी का कॉल आता है जिससे शार्लेट मिली थी। वो आदमी शार्लेट के पिता को अपने घर पर बुलाता है और उस स्पाइडर के बारे में बताता है। वो उन्हें बताता है कि ये एक बहुत ही खतरनाक स्पाइडर है, जिसकी वजह से लोगों की जान भी जा सकती है। इस सब की वजह से शार्लेट के पिता उसे डांटते हैं और उसका रिलेशन पूरी फैमिली के साथ ख़राब हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि वो आदमी स्पाइडर को खुद के पास रखना चाहता था, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा था। उसे वो स्पाइडर बहुत ही पसंद आ गया था, जिसकी वजह से उसने उसे बड़े फिश टैंक में भी रखा था। वो स्पाइडर को बहुत ही ज़्यादा खिला रहा था ताकि वो जल्दी जल्दी बड़ा हो सके। धीरे धीरे स्पाइडर बहुत ही बड़ा हो जाता है और शार्लेट की आंटी की बिल्ली को भी मार देता है। जब वो अपने बिल्ली को ढूंढने जाती है तब उसे भी वो अपने साथ लेकर जाता है। स्पाइडर उस आंटी को बिल्डिंग के बेसमेंट में लटका देता है। दूसरी तरफ शार्लेट के पिता काफ़ी परेशान हो चुके हैं। टीवी को ठीक करते वक्त वो अपना गुस्सा टीवी पर ही निकाल देते हैं। इसके बाद शार्लेट की माँ शार्लेट से बोलती है कि बेबी को लेकर अपने कमरे में जाओ। शार्लेट बच्चे को लेकर अपने कमरे में जाती है और हेडफोन्स लगा लेती है। यहाँ पर अचानक से स्पाइडर शार्लेट के पिता और उसकी माँ पर हमला कर देता है। सबसे पहले माँ को स्पाइडर बेसमेंट में लेकर जाता है। स्पाइडर उसके पिता को भी लेकर जा रहा है और कुत्ता भी यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा है। शार्लेट ने हेडफोन्स पहने हैं, जिसकी वजह से उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। कुछ समय में उसे कुत्ते की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो जाती है। जब शार्लेट हॉल में आती है तब उसे पता चलता है कि मॉम और डैड दोनों गायब है। अब शार्लेट को भी पता चल जाता है कि यह सब कुछ स्टिंग कर रहा है, जिसकी वजह से वो टनल को बंद कर देती है। स्पाइडर छोटे बेबी को भी अपने साथ लेकर जाता है और अब शार्लेट बहुत ही घबरा जाती है। जब वो खुद स्पाइडर को देखती है तब वो काफ़ी डर जाती है, लेकिन वो स्पाइडर उसे कुछ भी नहीं करता। यहाँ पर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो वाटर गन को अपने साथ लेती है। वो टनल से होकर ग्रैंडमा के घर पर जा रही है, उसी वक्त उसे मरी हुई बिल्ली दिखती है। सबसे पहले वो उस आदमी के घर पर जाती है जिसके पास स्पाइडर था, लेकिन वो आदमी अब मर चुका है। यहाँ पर पहुँचने के बाद वो देखती है कि ग्रैंडमा अभी भी ज़िंदा है। ग्रैंडमा ने यहाँ पर वैसा ही स्वेटर पहना है जैसा शार्लेट ने भी पहना है। शार्लेट के दिमाग में यही सब कुछ चल रहा था कि ये दोनों स्वेटर्स मौत बॉल से बने हैं। मूवी की शुरुआत में भी हमने देखा था कि एक मौत बॉल की वजह से स्पाइडर का जाल नष्ट हो गया था। इस सब की वजह से शार्लेट मौत बॉल्स का पानी बनाती है और उन्हें बोतलों में भर लेती है। थोड़ा पानी वो अपने ऊपर भी डाल लेती है और वो ग्रैंडमा को पुलिस को बुलाने के लिए बोलती है। मौसम की वजह से लाइंस खराब है और नेटवर्क भी नहीं है। फिर शार्लेट अपने पिता को ढूंढती है और उन्हें आज़ाद कर लेती है। उन्हें वो इस पानी के बारे में भी बताती है और दोनों बेसमेंट में जाते हैं। फोन्स की लाइंस ठीक हो जाती है और ग्रैंडमा यहाँ पर उसी आदमी को बुलाती है।
तो यहाँ पर वही सीन शुरू हो जाता है जो हमें मूवी के शुरुआत में देखने को मिला था। स्पाइडर इस आदमी को भी जख्मी कर देता है और ये भी बेसमेंट में गिर जाता है। पानी की मदद से वो स्पाइडर को मारने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन ये आदमी थोड़ा पानी अपने ऊपर भी डाल लेता है। वो स्पाइडर को अपनी टूल वाली गन से मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये स्पाइडर ही उसे मार देता है। बेसमेंट में उन्हें उसकी माँ और भाई भी मिल जाता है, जिन्हें वो बचा लेते हैं। स्पाइडर फिर से उन पर हमला करने के लिए आता है और यहाँ पर ये लोग स्पाइडर को कुचल कर मारने की कोशिश करते हैं। मशीन को स्टार्ट करने का कनेक्शन लूज है, जिसकी वजह से शार्लेट के पिता उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। शार्लेट के पिता को बुरी तरह से करंट लग जाता है, लेकिन मशीन काम करने लगती है। यहाँ पर शार्लेट बटन दबा देती है, जिसकी वजह से स्पाइडर कुचला जाता है। तो स्पाइडर यहाँ पर मर जाता है और शार्लेट की माँ उसके पिता को बचाने की कोशिश करती है। उसके पिता तो बच जाते हैं, लेकिन यहीं पर हमें कुछ अंडे भी देखने को मिलते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही अंडा है जैसा हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, और यह खुल जाता है। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है, जहां पर हमें पता चलता है कि शायद इसका दूसरा पार्ट भी आ सकता है। मिड क्रेडिट सीन में हमें कुत्ते को दिखाया जाता है और पोस्ट क्रेडिट सीन में ग्रैंडमा को। दोनों सीन्स का कोई खास मतलब नहीं था। स्टिंग एक एलियन क्रिएचर है जो एलियन प्लैनेट से आया है। मूवी का दूसरा पार्ट जरूर आएगा और आना भी चाहिए, क्योंकि मूवी अच्छी है। इस मूवी को आप फैमिली के साथ भी देख सकते हो और मैं इसे रेट करूंगा 7.5 out of 10। इसके अलावा दोस्तों, मैंने इन्फेस्टेड मूवी का भी रिव्यू किया है और वो भी एक स्पाइडर वाली मूवी है, उसे भी आप जरूर चेकआउट करना। गॉडज़िला एक्स कॉन्ग में जितने भी न्यू मॉन्स्टर्स देखने को मिले हैं, उसके बारे में भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। 'Cause I've been living life right like I-